अस्सलाम वालेकुम, कुकिंग विद फैमिली में आपको वेलकम। आज हम बहुत मज़ेदार हैदराबादी मिर्चे बना रहे हैं, हैदराबादी मिर्चों का सालन। तो आप रोटी और पराठे से ऐसे भी खा सकते हैं और बहुत मज़ेदार और बहुत मज़े की खट्टी बनती है। तो किस क्या क्या इसमें डलेगा तो वो मैं बता देती हूँ आपको, क्या क्या चीज़ें इसमें डलेंगी और आप लोग नोट कर लें। ये एक पाव मैंने हरी मिर्चें ली हैं और इसमें कट लगा लिया, देखने कट लगा है, ये मैंने कट लगा लिया धो के अच्छी तरह साफ करके, और ये मिर्चों पे मैंने कट लगाया एक पाव के करीब है ये मिर्चें, सही है। अब ये लिए क्वार्टर टी स्पून हल्दी, एक टेबल स्पून नमक, क्वार्टर टी स्पून कलौंजी, दो टी स्पून क्या कहते हैं तिल, और दो टेबल स्पून भर के मूँगफलियाँ, ये जो है ना वो ही है रोस्ट हुई है, और दो टेबल स्पून भर के पिसा हुआ खोपरा, और ये प्याज है एक डली बड़ी साइज़ की प्याज की, और ये लहसुन है, लहसुन अदरक दोनों में मिक्स है एक टेबल स्पून, और ये है दो टेबल स्पून, ये मैंने इमली भी भिगोई है, इसका पल्प लेंगे दो टेबल स्पून भर के। अच्छा, ये भगार का सामान है, भगार में ये ले लेंगे हम छः ये साबुत मिर्चें हैं, एक टी स्पून जीरा है, एक टी स्पून राई है, और ये सात आठ पत्ते ये हैं इसके कड़ी पत्ते के। अच्छा, कड़ी पत्ता अगर ताज़ा मिल जाए तो बहुत अच्छा है, मेरे पास ताज़ा नहीं था, ये मैंने फ्रिज में सुखा के रखा होता तो मैं सूखा हुआ ले रही हूँ, अगर ताज़ा मिल जाए तो ताज़े की तो बात ही क्या है, तो आप ताज़ा लीजिएगा, ताज़ा डालिएगा, नहीं है तो फिर आप ऐसे ही डाल दीजिएगा मेरी तरह। तो फिर शुरू करते हैं, और इसको बनाएंगे हम सरसों के तेल में, सरसों का तेल है वो मैंने जला के रखा हुआ है, तो सरसों का तेल ले लेंगे, एक कप सरसों का तेल ले लेंगे, सही है। तो फिर हम शुरू करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये तिल, मूंगफलियाँ और ये खोपरा और ये प्याज, इनको सबको रोस्ट करेंगे, तीनों चीज़ों को हल्का हल्का सोटे करके, और क्या कहते हैं इसको जो है ना, तीनों चीज़ों को और ये प्याज को भी हल्के से ऑयल डाल के एक टेबल स्पून, इसको भी ज़रा सा रोस्ट करके इसका कच्चापन दूर करेंगे, और ये चारों को एक साथ पीस लेंगे, सही है। ये करते हैं, और ये मिर्चें जो है ना, फिर इसके बाद में आपको बताऊंगी क्या करेंगे। और ये मिर्चें जो है ये हम इसमें तेल में फ्राई करके, हल्की सी फ्राई करके निकाल लेंगे, सही है। तो जब तक मैं ये पीसने जा रही हूँ, ये पीसती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि यह आपकी मिर्चें किस तरह बनी। तो बहुत लजीज बनता है ये, तो ये बना के आप फ्रिज में रखिएगा और आराम से 15 दिन खा सकते हैं रख के। तेल में जरा सी सोटे करेंगे, और ये मसाले में आपको बताना भूल गई थी, ये जो है मूंगफलियाँ, तेल और ये, इनको भी जरा जरा सा सोटे करेंगे। अब इनको सबको चारों को पीस लेते हैं, प्याज, तिल, खोपरा और मूंगफली, ये तीनों मैंने वो करके जरा से सोटे करा था, और प्याज को भी अतकचरा कर लिया था, और ये पीस लिया। ये देखिए इतना अच्छा ये बन गया मिक्सचर। अब ये हम इसको मिर्चों में डालेंगे। अब इसके और क्या है, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब ये करेंगे, ये मिर्चें लेके हल्के से तेल में ना, पहले अब इसको मिर्चों को ज़रा सा फ्राई करेंगे, फिर ये सारे मसाले डाल के भुनाए वो करेंगे, जो जो होगा मैं आपको बताती हूँ। डाला इसके अंदर मैंने सरसों का, सही है, और अब इसके अंदर हम डालेंगे ये मिर्चें, इसमें कट लगा हुआ है, ये मिर्चें हम इसके अंदर डाल के फ्राई करेंगे, मिर्चें इसमें डाल के कट लगा रहे हैं, और इसके अंदर मिर्चें डाल के फ्राई कर लेंगे, और ये जब फ्राई हो जाएंगे तो हम इसको निकाल लेंगे, ये ज़रा फ्राई हो जाए फिर मैं इसको निकाल लूँगी।
गोल मिर्च डालनी है ज़रा सी, वो कलर आ जाएंगे। और फिर इसके अंदर हम ये देखें इसका मसाला, ये कड़ी पत्ता, कलौंजी, ये क्या कहते हैं राई, और ये ज़ीरा डाल डालते हैं। ये सब डाल देंगे और फिर इसके बाद हम इसमें ये मसाला डालेंगे। ये लहसुन अदरक सही है, डाल दिया नमक, नमक ये इसकी बुनाई होगी अच्छे से। और फिर इसमें मिर्च डाल अब हम इसमें मिर्ची का पत्ता डाल सही डाल दो टेबल स्पून भर के मिर्ची का पत्ता सही है। देखें मूली का पल डाल के और ये मिर्ची डाल देंगे और फिर इसको इसको बिल्कुल दम पे रख देंगे जब तक ये ज़रा सी गलेंगे और इसको दम पे रख देंगे। ये बिल्कुल स्लो करके ना दम पे छोड़ दें, इसी में गल भी जाएंगी ज़रा और ये आपकी तैयार हो जाएगी। ये देखें अब इसको बस दम पे रख दिया मैंने, फिर हम दिखाते हैं तैयार हो गई है। मैंने आपको डिश आउट करके दिखा दिया, ये देखें कितने मज़े की बनी है मिर्ची ये और मसाला कितना है। अब इसको चाहे पराठे से खाएं या रोटी से खाएं, ये देखें मसाला किस कदर मसाला डाला बना है इसका, और बहुत मज़े की लगती है खट्टी खट्टी। और ये आप इसको दाल चावल के साथ खाएं, दाल के साथ खाएं, बहुत मज़े की लगेंगी। तो आप बनाइएगा, ये हैदराबादी इसको सालन भी कहते हैं, मिर्चों का सालन, हैदराबादी मिर्चों का सालन है, ये लाजमी बनाइएगा। और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।